वहीं नरेंद्र मोदी ने अपना प्रधानमंत्री पद से राष्ट्रपति को इस्तीफा सौंप दिया है। नरेंद्र मोदी बुधवार 5 जून को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। वहीं राष्ट्रपति भवन पहुंचे और उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना इस्तीफा सौंपा। वहीं राष्ट्रपति ने इसे स्वीकार कर लिया है और उन्हें कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने रहने को कहा है। पीएम मोदी और राष्ट्रपति मुर्मू की मुलाकात की तस्वीरें भी सामने आई है, जिसमें वह इस्तीफा देते हुए नजर आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी दिल्ली में एनडीए की बैठक से पहले राष्ट्रपति भवन पहुंचे और उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को इस्तीफा सौंपा। वहीं राष्ट्रपति के आधिकारिक एक्स हैंडल से ट्वीट कर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने केंद्रीय मंत्री परिषद के साथ अपना इस्तीफा दे दिया है। वहीं राष्ट्रपति ने इस्तीफा स्वीकार कर लिया है और प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री परिषद से नई सरकार बनने तक पद पर बने रहने का भी अनुरोध किया। आपको बता दें कि नई सरकार के गठन होने तक नरेंद्र मोदी कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने रहेंगे और कार्य करने की जिम्मेदारी निभाएंगे। साथ ही कहा और यह भी कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी 8 जून को तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेंगे। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 के अंतिम नतीजे आ चुके हैं। एग्जिट पोल में लगाए गए अनुमानों के उलट इस लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 240 सीटों पर विजय होने के बाद बहुमत से पीछे रह गई। हालांकि एनडीए 292 सीटों के साथ सरकार बनाने के अपने मजबूत दावे के साथ खड़ी है। वहीं सभी प्रमुख विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया ने भी 234 सीटों पर अपनी जीत हासिल की है। चुनावी नतीजों के आने के बाद नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को 17वीं लोकसभा की आखिरी बैठक हुई, जिसमें इसे भंग करने की मंजूरी दे दी गई।